हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे टेलीकॉम चैनल एसके टेक हिंदी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जियो सिम कार्ड यूजर्स के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ गया है। और दोस्तों जियो सिम कार्ड यूजर्स को बता दूं कि यहाँ पे आप 555 का रिचार्ज, 399 का रिचार्ज, 199 का रिचार्ज या फिर दोस्तों आप ऑलमोस्ट कोई भी रिचार्ज करवाना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ही रिचार्ज करवाना, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी रिचार्ज आप करवाओगे आपको दोस्तों 30%, 40%, 50%, 60% तक दोस्तों आपको सस्ते रिचार्ज आप खुद से कर सकते हैं। दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं कि यदि जियो सिम कार्ड यूजर्स हैं तो जियो में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है रिचार्ज नियम में। जहां दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे 29 फरवरी के डेट के बाद से आप तमाम जियो सिम कार्ड यूजर्स के लिए जियो ने दोस्तों 50 का डिस्काउंट वाउचर बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अब मैं अपने माय जियो एप्लीकेशन के माय वाउचर सेक्शन में जाएंगे और जहां से आप 399, 199 या फिर 555 या फिर कोई भी रिचार्ज प्लान में जाते थे और वहां पे आपको 50 का डिस्काउंट वाउचर यूज हो जाता था, जो कि आपका रिचार्ज 399 का होता था तो वो आपको 349 में ही हो जाता था। लेकिन अब जो है वो सभी जितने भी वाउचर थे वो जियो की तरफ से एक्सपायर कर दिए गए। तो आप तमाम जियो सिम कार्ड यूजर्स के लिए ये घटा होने के बाद से आपको जो है आप लोग को लगने लगा था कि यहाँ पे रिचार्ज अब सस्ते नहीं होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे जियो ने अदर वेबसाइट, अदर वॉलेट एप्लीकेशन के साथ मिलके आप तमाम यूजर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आकर्षक ऑफर लाया है। दोस्तों आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। जियो यूजर्स के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे दें, यहाँ पे यस बैंक और फोन पे वॉलेट एप्लीकेशन के साथ क्या हो रहा है। यस बैंक का जो बैंक था, यस बैंक का मान्यता रद्द आरबीआई ने कर दिया है। तो इसको लेकर के जो कि पावर्ड बाय था फोन पे एप्लीकेशन, पावर्ड था यस बैंक के साथ मर्ज था, लेकिन यहाँ पे यस बैंक के बंद होने के साथ ही यहाँ पे फोन पे वॉलेट एप्लीकेशन जो है टेम्पोररी अनेबल लिखा के आ रहा है। तो तमाम फोन पे वॉलेट यूजर्स के लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन फोन पे की तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पे वो जल्द से जल्द जो है इस प्रॉब्लम से निपट लेंगे, तो यूजर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस भी यूजर्स का जो भी वॉलेट में बैलेंस था वो रहेंगे ही रहेंगे। दोस्तों अब बात आ जाते हैं यहाँ पे जियो की तरफ से क्या आकर्षक ऑफर आया है। और दोस्तों आपको बात कर लेते हैं यहाँ पे जियो का ये ऑफर जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, वहीं से दोस्तों मैं आपको आप लोगों के लिए देख के जो है ये आपको न्यूज दे रहा हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जियो की तरफ से ये ऑफर अब कब तक चलेगा, तो यहाँ पे 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक के लिए ये ऑफर है, ठीक है। तो फोन पे अभी बंद है तो फोन पे का ऑफर भी वहां से खत्म कर दिया गया है। फोन पे के अलावा दोस्तों सभी के लिए यहाँ पे जियो का ऑफर चल रहा है। दोस्तों वीडियो को आगे देखने से वीडियो को प्लीज से लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना कि आप लोग जियो सिम कार्ड यूजर्स हो या फिर अदर सिम कार्ड यूजर्स हो। दोस्तों बात कर रहे थे कि जियो और पेटीएम की तरफ से क्या ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे न्यू यूजर्स के लिए पेटीएम जो यूज कर रहे वॉलेट, यहाँ पे आपको कोड लगाना है पेटीएम जियो 30, तो आपको 30 रुपए तक का कैशबैक आ जाएंगे। वहीं पे एक्साइटिंग यूजर्स के लिए पेटीएम जियो 15, तो 15 रुपए तक का कैशबैक आ जाएंगे। अमेजन की तरफ से नया यूजर्स है तो रिचार्ज करने पे 250 तक का कैशबैक आ जाएंगे और जो पुराना यूजर्स है उसके लिए 200 तक का कैशबैक आ जाएंगे। साथ ही यहाँ पे पेटीएम यूपीआई यूजर्स के लिए 15 रुपए तक का कैशबैक आ जाएंगे 149 से 149 के ऊपर का रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिचार्ज कहाँ से करना है, तो यहाँ पे आपको jio.com या फिर माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू पेटीएम यूपीआई के थ्रू करना है तो 50 रुपए का डिस्काउंट वाउचर आएंगे। वहीं पे अमेजन यूपीआई की तरफ से नया और पुराना दोनों के लिए 50-50 का डिस्काउंट वाउचर मिलेंगे, लेकिन 300 या 300 से ऊपर का रिचार्ज jio.com या फिर माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू करने पे मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे मोबी क्विक की तरफ से ओल्ड या न्यू दोनों यूजर्स के लिए 200-200 रुपए तक का कैशबैक आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 200-200 रुपए तक का, तो आपको 555 का रिचार्ज ऑलमोस्ट 355 में ही पड़ेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं फ्री रिचार्ज की तरफ से कितना कैशबैक आ रहा है, तो जियो 30 का कोड लगाएंगे फ्री चार्ज यूजर्स तो आपको जो है 30 रुपए का कैशबैक आ जाएंगे। वहीं पे न्यू यूजर्स के लिए, ओल्ड यूजर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे जियो 15 का कोड लगाने के बाद जो आपको 15 रुपए तक का कैशबैक आ जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको फोन पे का जो ऑफर था यहाँ से मेंशन नहीं था, मेंशन हटा दिया गया है, क्योंकि पहले फोन पे का भी था जब 1 मार्च को ये लॉन्च हुआ था ऑफर, लेकिन फोन पे का जो मैंने प्रॉब्लम आपको पहले ही बता दिया इन सब के बीच यहाँ पे फोन पे का ऑफर जो था वो खत्म कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया का भी सिचुएशन काफी खराब है। वोडाफोन आइडिया कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है यहाँ पे बार बार सरकार के तय मानक पे जो खड़े नहीं उतर रहे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो भी साफ साफ क्लियर कर दिया था एजीआर का ड्यूज किसी भी हालत में देना ही होगा, तो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कोई भी मामला सॉल्व होते नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बंद हो सकती है। दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।